my grandmother. Hi, I am Arthur. I am 6 years old. I am birthday is 16 April. तो आज आप जेंटलमैन साहब के लिए मैं एक नया एपिसोड लाया हूँ, जिसके बारे में आप जानेंगे कि शेर और बाघ और चीता और जगुआर में क्या अंतर होता है। तो पहले आप सुनिए कि जो चीता होता है वो अकेले होता है। एक लाइक बनती है, वीडियो देखने से पहले वन लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और आप जानते ही हैं चीता ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए जो शेर कुछ ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं उनको थोड़ा धक्का लगा होगा, पर ये बात जब सच है ये सच है। इधर हमको देखो, हाँ बताओ। तो और वो वजन और वजन वजन में वो थोड़ा थर्ड क्वालिटी का, पहले फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी का होता है, थर्ड लेवल का। और चीता फर्स्ट लेवल का होता है। और हम कुछ लोग जगुआर चीते में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, पर कुछ लोग को दोनों को, आप जगुआर को चीता कहते हैं, चीता को जगुआर कहते हैं। और जगुआर के कुछ फूल टाइप के होते हैं, कहते हैं स्पॉट्स, और टाइगर के स्पॉट्स होते हैं होल टाइप के, मतलब राउंड टाइप के। और जब लॉयन से सब लोग तो बहुत डरते हैं, तो आप जानते ही होंगे पूरे सोनी की होना चाहती, जब वो आता है तो झुंड के साथ आता है, अकेले नहीं। शेर होता है बहुत आलसी, और अपनी जो मैं सेवियों से काम कराता है और फिर उनके साथ खाता है। और चीता अकेले होता है और बहुत दौड़ने और बुखार होता है। तो एक वीडियो और होती है, इसके लिए वन आइकन दबाइएगा, 3 लाइक 4 लाइक एंड 5000 लाइक।